के परिजनों के, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, इल्ली प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। सरकार इस कठिन समय में सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार सभी परिवारों को हर संभव हर प्रकार से मदद पहुंचाएगी, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश सरकार की ओर से अधिकारियों को हुआ है और सरकार सभी परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। सर, क्या पता चल रहा है, जो अनियंत्रित होके पलटी है तो कुछ गाड़ी में कुछ दिक्कत थी, रोड का कुछ इशू था क्या? प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही आ रही है कि गाड़ी की शायद ब्रेक फेल हुई थी, नियंत्रण से बाहर हो गई थी गाड़ी और इसके कारण से ये घटना घटित हुई है, पर विस्तृत जानकारी थोड़े समय बाद पता चलेगा कि कारण क्या है। जब प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत होगी, प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुंच रही है और जांच होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी पता चलेगी कि किस कारण से ये घटना हुई है। अभी तो प्रशासन का पूरा ध्यान परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने में, घायलों के इलाज में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और जांच पर घटना की जो भी वास्तविक स्थिति पता चलेगी उसके हिसाब से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और मैं फिर से कहता हूं कि जो संबंधित परिजन हैं, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है, सभी परिवारों के साथ हर संभव मदद सरकार की ओर से की जाएगी। मैंने कहा कि हर संभव हम सरकार की ओर से मदद करेंगे, जो भी मदद हो सकता है हर प्रकार से मदद सरकार इन परिजनों को करेगी। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, मालवाहक वाहन जो है इस पर सवार लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में मालवाहकों में सवारी पुनः जो है प्रतिबंधित है, इसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिलती, कोई कार्रवाई इस पर अब तेज होगी? देखिए, लगातार इस विषय पर जागरूकता का अभियान चलाना, कार्रवाई करना, ये लगातार सरकार करती रही है। फिर भी एक पिकअप में तकरीबन 30 लोग सवार थे, तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे, ऐसी प्रारंभिक जानकारी है। फिर भी जो घटना के बाद जो विषय आएगा, सरकार उस पर आवश्यक कार्यवाही करेगी।